हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 फीट इंटू 60 फीट का हाउस प्लान जिसका एरिया है 1800 स्क्वायर फीट जो कि 200 गज होता है। तो गाइज, ये जो प्लॉट है वो साउथ फेसिंग प्लॉट है और तीनों साइड से अदर्स प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 30 फीट इसकी चौड़ाई है और 60 फीट इसकी लंबाई है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। इसमें 2 बेडरूम रहेंगे, 2 अटैच बाथ प्लस टॉयलेट, 1 कॉमन बाथ प्लस टॉयलेट रहेगा, कार पार्किंग, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, लॉन्ज एरिया, OTS प्लस वॉशिंग एरिया एंड लॉन एरिया। तो गाइज, इसको मैंने 3D में भी बनाया। तो ये पार्ट वन है 30x60 फीट के हाउस प्लान का, और पार्ट टू में आप देखेंगे इस हाउस प्लान को 3D में। वो मैं अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो शुरू करने से पहले, अब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ नए नए वीडियोज़ हाउस प्लान के मैं अपलोड करता रहता हूँ। और आपको ये हाउस प्लान कैसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपना हाउस प्लान। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एंट्री मिल जाती है, एक 10 फीट वाइड एंट्री मिल जाती है फॉर कार पार्किंग, और एक 4 फीट वाइड एक और एंट्री मिल जाती है आपको। और कार पार्किंग के एरिया की बात करूँ तो 15 फीट चौड़ाई रहेगी और 20 फीट लंबाई, तो काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें मिल जाता है। प्लस आपकी बाइक भी 2 से 3 ईजिली पार्क हो जाएंगी। इधर मिल जाता है आपको लेफ्ट में लॉन एरिया। तो लॉन एरिया के साइज़ की बात करूँ तो 13x6 की चौड़ाई रहेगी और 8 फीट लंबाई, तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर में 2 एंट्री मिल जाती है आपको, एक ड्राइंग हॉल में ड्राइंग रूम में खुलती है और एक पैसेज मिल जाता है 4 फीट वाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम मिल जाता है जिसका साइज़ रहेगा 13x6 इसकी चौड़ाई रहेगी और 12 फीट लंबाई, तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है ड्राइंग हॉल का। और इसके बाद आगे देखते हैं कि हम तो सेकेंड एंट्री में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 फीट वाइड का पैसेज मिल जाता है और ये दूसरी एंट्री मिल जाती है यहाँ पर। और लेफ्ट में ही आपको देखने को मिल जाता है स्टेयर का प्रोविज़न, स्टेयर केस मिल जाती है जो कि 7 फीट वाइड रहेगी इसकी लैंडिंग। लैंडिंग के नीचे ही आपको कॉमन बाथ प्लस टॉयलेट मिल जाता है और इसका जो वेंटिलेशन है वो OTS से होता रहेगा। और स्टेयर स्टेप जो रहेगा इसमें 3 फीट रहेगा। तो पैसेज से आगे जाते हैं हम तो लॉन्ज एरिया प्लस डाइनिंग एरिया मिल जाता है। और इसके साइज़ की बात करूँ तो 28x6 इसकी चौड़ाई है और लगभग 12 फीट की इसकी लंबाई है। और आप देख सकते हैं कि डाइनिंग एरिया के लिए भी एक अलग से ही आपको स्पेस मिल जाता है। इसमें डाइनिंग एरिया के सामने ही आपको किचन देखने को मिल जाता है। और उसके पहले किचन के साइज़ की पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर OTS छोड़ा है जिसका वेंटिलेशन लॉन्ज एरिया के इधर से ही होता रहेगा। और किचन के साइज़ की बात करूँ तो मैं किचन मिल जाता है आपको 10x6 चौड़ाई और 7 फीट लंबाई, तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और साथ ही में यहाँ पे मिल जाता है आपको ब्रेकफास्ट काउंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3:2 लगाए हैं, बाकी आप डिटेल में और देखेंगे उसको 3D में जब मैं डिस्कस करूँगा पार्ट टू में, बताऊँगा मैं दूसरी वीडियो में इसके 3D में जब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है बेडरूम जिसका साइज़ रहेगा 14x6 चौड़ाई रहेगी और 12 फीट लंबाई, तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। और बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे OTS छोड़ा है और इधर अटैच बाथ प्लस टॉयलेट मिल जाता है जिसका साइज़ रहेगा 10 फीट चौड़ाई रहेगी और 6 फीट लंबाई, और इसका भी वेंटिलेशन OTS से होता रहेगा। चलते हैं हम अपने दूसरे बेडरूम की ओर। तो इसके साइज़ की बात करूँ तो सेकेंड बेडरूम का साइज़ भी लगभग सेम ही है, 14 फीट इसकी चौड़ाई है और 12 फीट लंबाई, तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है इसमें। और इसमें भी अटैच बाथ प्लस टॉयलेट दिया है जिसकी 10 फीट चौड़ाई है और 6 फीट लंबाई, और इसी के साथ में OTS का एक्सेस मिल जाता है यहाँ पर जिसमें आप वॉशिंग मशीन इजीली प्लेस कर सकते हैं और घर के जो कपड़े हैं वो भी इजीली इसमें आप वॉशिंग मशीन लगा के धो सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाउस प्लान आपको कैसा लगा है, और वीडियो पसंद आई हो, हाउस प्लान पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 3D मैं अपलोड कर दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।